अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। यहाँ पर सभी लोगों को, प्रेस के लोगों को, मीडिया के लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि आज एक विशेष टॉपिक पर बात करनी है। पिछले 16 साल से, ये गए हुए 16 सालों से हम लोग अलग अलग कैंप लगाकर, अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़कर हमने कई लोगों का मुफ्त में आंखों का ऑपरेशन कराया है और भी काफ़ी मेडिकल लाभ दिए हैं लोगों को। कईयों हजारों लोगों का हमने पिछले 16 सालों से आंखों का ऑपरेशन कराया है। अभी वापस से जब 2 महीनों से हमने इस चीज़ को शुरू किया, जब 2 महीनों से हम वापस से कैंप कर रहे हैं आंखों का, जिसमें मोतीबिंद का मुफ्त में ऑपरेशन हो रहा है, तो हमको ये चीज़ समझ में आई, हमको ये चीज़ दिखी कि मुमरा कौसा में इस चीज़ की काफ़ी नीड है। लोगों को काफ़ी इस चीज़ की ज़रूरत, हमको महसूस हुई कि लोगों को इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। तो हमने, जो शंकर राय ट्रस्ट है, उनके साथ मिलकर एक डिस्कशन की कि क्यों ना एक मुहिम लाई जाए कि मुमरा कौसा को इस चीज़ से मुक्त किया जाए। तो हमने जुड़कर एक मुहिम बनाई है, एक स्लोगन बनाया है, मोती बिंद मुक्त मुमरा कौसा, जिसके अंतर्गत हम लोग हर महीने लास्ट वेडनेसडे को, हर महीने के लास्ट वीक के लास्ट वेडनेसडे को हम लोग अमृत नगर में एक कैंप लगाएंगे। अमृत नगर में या कभी हॉल में, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, हम एक कैंप लगाएंगे जिसमें लोगों का मुफ्त में मोतीबिंद का ये ऑपरेशन फ्री में होगा, कम्प्लीटली फ्री होगा। और इसमें हमको जो सहभाग दे रहे, जो कॉपरेट कर रहे, जो हमारे साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मुहिम है बहुत बड़ी मुहिम है, ये मुमरा कौसा के सारे लोगों के लिए मुहिम है। तो इसमें जो हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं वो है सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट, संघर्ष ट्रस्ट, कौसा कोकनी फाउंडेशन, गरीब नवाज ट्रस्ट, रहमानिया मस्जिद ट्रस्ट, इतिहाद ट्रस्ट, नवजीवन मित्र मंडल, इनके पूरे पूरे हमको कॉपरेशन है साथ में। और इसी के साथ मैं मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये अपील करना चाहती हूँ कि जितने भी दूसरे और ट्रस्ट्स हैं मुमरा के, जितने भी लोग हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये मुमरा कौसा के लिए जो हमने ये एक मुहिम बनाई है, इसमें हमको सफलता मिलेगी, अच्छे से ज़्यादा पैमाने पे सफलता मिलेगी। हमको मुमरा कौसा में जीरो नंबर लाना है मोती बिंद को लेकर के। हमारा अभी अगले महीने से शुरू हो जाएगा, हर लास्ट वेडनेसडे को ये शुरू होगा ये कैंप। और हमारा ये गोल है कि हम घर घर पहुँचे, अपनी टीम के जरिए, अपने ट्रस्ट के जरिए हम घर घर पहुँचे और लोगों का इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब तक का कितना मोतीबिंद का ऑपरेशन हो चुका है? 2 कैंप लगा, अभी 2 कैंप में 175 लोगों का हो चुका है, 175 लोगों को हो चुका है। अभी हमको उसको जीरो पे लाना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम है। हमको ये नज़र में आया है, काफ़ी लोग कभी कभी डायबिटीज़ या बीपी की वजह से उनका रिजेक्ट हो जाता है कि वो ऑपरेशन को नहीं जा पाते। तो हमने ये सोचा शंकर राय के साथ मिलकर कि इसको हर महीने रखते हैं, सो दैट वी कैन एजुकेट ऑल्सो, हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी दें, उनको सिखाए भी, उनको पूरी तरीके से हेल्प कर पाए। ये मुहिम इतनी बड़ी है कि ये अकेले हम, मैं अकेले या हमारे ट्रस्ट अकेले सिर्फ नहीं कर पाएंगे, तो उसमें मुझे सारे लोगों का सहभाग, कोऑपरेशन चाहिए। मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इसमें किसी ना किसी वे में पार्टिसिपेट करें और आप भी इस मैसेज को अच्छे एक सोशल नोट पे लोगों तक पहुँचाएं। अभी तक जो इसका ऑपरेशन करा रहा है, अभी अभी हम लोगों ने उस पर सारी डिस्कशंस की है। जैसे अब हर हफ्ता अगर हमको, अभी हम लोगों ने इस पर वर्क करना चालू नहीं किया, अभी हमने प्लानिंग बनाई है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे जैसे पेशेंट्स आते जाए, तो हम उनको वीक वीक में अपनी व्हीकल से भी, अपने ट्रांसपोर्ट उससे भी हम लोग उनको भेजते रहे। अगला कैंप कब और कहाँ होगा? अगले कैंप की डेट हम आपको वेरी सून बता देंगे। अगला कैंप भी अमृत नगर में ही होगा। अभी गर्मी है, सॉरी सर्दियों में, और सर्दियों में हम यहाँ पर रखेंगे, फिर गर्मी में, बारिश में हम उसको एक हॉल में या कहीं स्कूल में रखने की कोशिश करेंगे। 2 कैंप में 150, हम उसके लिए हम और अपनी मैनेजमेंट टीम बढ़ाएंगे। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मुझे इसमें सबका कोऑपरेशन चाहिए, सभी लोगों का चाहिए, क्योंकि ये मुमरा के हर नागरिक के लिए है, मुमरा के हर नागरिक के लिए। तो सारे मुमरा के नागरिक अगर इसमें जुड़े और सारे एनजीओ इसमें जुड़े, सारे जो लीडर्स हैं वो अगर इसमें हमारे साथ कॉपरेट करेंगे, जुड़ेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छा कर पाएंगे। मुझे मैडम पूरे मुमरा कौसा के लिए जी एक टारगेट बनाया आपने अभी, कोस हमने बोला ना, ये हमेशा के लिए हम रखने की कोशिश में है। और जरूरी नहीं कि महीने में एक, हम आगे जाके उसको महीने में 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इसी पे कल बात हो रही थी, इसी विषय पे, कि हम उसको आगे जाके जैसे रिस्पांस बढ़ेगा, लोग बढ़ जाएंगे, तो हम उसको महीने में 2 कर देंगे, 15 डेज में 15 डेज में 1 रखेंगे, फिर और बढ़ेगा, तो वो और आगे आप देखते जाइए। फिर मोतीबिंद मुक्त मुमरा कौसा, ये हमारी मुहिम है।
उम्मीद है इससे, जैसे आपने कहा सबका सही होगा, पॉलिटिकल है ये कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल है, बिकॉज जो ट्रस्ट है उनका भी यही है, क्योंकि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो हम लोग जितने भी है सब सारी, आपने नोटिस किया होगा हमने सारी ट्रस्ट के ही नाम लिए हैं, संघर्ष, सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट, इत्यादि जितनी भी सब ट्रस्ट है उनको कोऑपरेट, उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम ये चीज करेंगे इंशाल्लाह। एट अ टाइम कितने लोगों का ऑपरेट किया जाएगा? जितने अभी हमारा तो टारगेट 100 से भी ऊपर होता है सर, वहाँ पे वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे 100 से भी ज्यादा एक टाइम पे कर सकते हैं।